This video is based on some internet articles and some research based on information available. The video has no political, social, religious or any other propaganda and should be treated as a work of fiction. आप में से कितने लोग जानते हैं कि भारत का कितनी बार विभाजन हुआ है? आइए अपने हिंदुस्तान और भारत के थोड़े से इतिहास की जानकारी लेते हैं। अखंड भारत हिमालय से हिंद महासागर तक और ईरान से इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। 1857 में भारत का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, जो वर्तमान में 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1857 से 1947 तक भारत कई बाहरी शक्तियों द्वारा खंडित किया गया था। भारत से अफगानिस्तान 1876 में, नेपाल 1904 में, भूटान 1906, तिब्बत 1907 में, श्रीलंका 1935 में, म्यांमार या बर्मा 1937 में और पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ था। श्रीलंका 1935 में अंग्रेजों ने श्रीलंका को भारत से अलग कर दिया। श्रीलंका का पुराना नाम सिंगल द्वीप था, बाद में सिंगल द्वीप का नाम बदलकर सीलोन कर दिया गया। सम्राट अशोक के शासनकाल में श्रीलंका का नाम ताम्रपर्णी था। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गए थे। श्रीलंका अखंड भारत का अंग है। अफगानिस्तान अफगानिस्तान का प्राचीन नाम उपगनास्थान और कंधार का गांधार था। अफगानिस्तान एक शैव देश था। महाभारत में वर्णित गांधार अफगानिस्तान में है, जहां से कौरवों की माता गांधारी और मामा शकुनी थे। कंधार यानी गांधार का वर्णन शाहजहां के शासनकाल तक मिलता है। यह भारत का हिस्सा था। 1876 में रूस और ब्रिटेन के बीच गंडमक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। संधि के बाद अफगानिस्तान को एक अलग देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। म्यांमार या बर्मा म्यांमार का प्राचीन नाम ब्रह्म देश था। 1937 में म्यांमार यानी बर्मा को एक अलग देश की मान्यता अंग्रेजों ने दी थी। प्राचीन काल में हिंदू राजा आनंदव्रत ने यहाँ शासन किया था। नेपाल नेपाल को प्राचीन काल में देवधर के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, जो आज नेपाल में है। 1904 में अंग्रेजों ने नेपाल को एक अलग देश बनाया था। नेपाल को हिंदू राष्ट्र कहा जाता था। कुछ साल पहले तक नेपाल के राजा को नेपाल नरेश कहा जाता था। नेपाल में 81% हिंदू और 9% बौद्ध हैं। सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान नेपाल भारत का एक अभिन्न अंग था। 1951 में नेपाल के महाराजा त्रिभुवन सिंह ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से नेपाल को भारत में विलय करने की अपील की, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। थाईलैंड 1939 तक थाईलैंड को श्याम के नाम से जाना जाता था। अयोध्या श्री विजय आदि प्रमुख शहर थे। श्याम में बौद्ध मंदिरों का निर्माण 30वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस देश में आज भी कई शिव मंदिर हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं। कंबोडिया कंबोडिया संस्कृत नाम कंबोज से लिया गया है, जो अखंड भारत का हिस्सा था। पहली शताब्दी से ही यहाँ भारतीय मूल के कौटिल्य वंश का शासन था। यहाँ के लोग शिव विष्णु और बुद्ध की पूजा करते थे। राष्ट्रभाषा संस्कृत थी। कंबोडिया में आज भी भारतीय महीनों जैसे चैत विशाख आषाढ़ के नामों का प्रयोग किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध अंकोरवाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसे हिंदू राजा सूर्यदेव वर्मन ने बनवाया था। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत से संबंधित पेंटिंग है। अंकोरवाट का प्राचीन नाम यशोधरपुर है। वियतनाम वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा देश है और इसके प्रमुख शहर इंद्रपुर अमरावती और विजय थे। यहाँ अभी भी कई शिव लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती मंदिर मिलेंगे। यहाँ शिवलिंग की भी पूजा की जाती थी। लोगों को चाम कहा जाता था, जो मूल रूप से शैव थे। मलेशिया मलेशिया का प्राचीन नाम मलय देश था, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़ों की भूमि।
मलेशिया का वर्णन रामायण और रघुवंशम में मिलता है। मलय में शैव धर्म का प्रचलन था। यहाँ की मुख्य लिपि ब्राह्मी थी और संस्कृत मुख्य भाषा थी। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का प्राचीन नाम द्वीपांतर भारत है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। द्वीपांतर भारत का अर्थ है पूरे भारत में समुद्र। यह हिंदू राजाओं का राज्य था। सबसे बड़ा शिव मंदिर जावा द्वीप में था। मंदिरों को मुख्य रूप से भगवान राम और भगवान कृष्ण के साथ उकेरा गया था। भुवन कोश संस्कृत के 525 श्लोकों वाली सबसे पुरानी पुस्तक है। इंडोनेशिया में प्रमुख संस्थानों के नाम आज भी संस्कृत में हैं। इंडोनेशिया पुलिस एकेडमी, धर्म विजाक्षणा क्षत्रिय। इंडोनेशिया नेशनल आर्म्ड फोर्सेस, त्रिधर्म एक कर्म। इंडोनेशिया एयरलाइंस, गरुड़ एयरलाइंस। इंडोनेशिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चरक भवन। इंडोनेशिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नगर धन रक्षा। इंडोनेशिया सुप्रीम कोर्ट, धर्म युक्ति। तिब्बत। तिब्बत का प्राचीन नाम त्रिविष्टम था, जो दो भागों में विभाजित था। 1907 में चीन और अंग्रेजों के बीच एक समझौते के बाद एक हिस्सा चीन को और दूसरा लामा को दे दिया गया। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी लोगों के प्रति अपनी एकजुटता दिखाने के लिए तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में स्वीकार किया। भूटान। 1906 में अंग्रेजों द्वारा भूटान को भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग देश के रूप में मान्यता दी गई। भूटान संस्कृत शब्द भू उत्थान से बना है, जिसका अर्थ है उच्च भूमि। पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा भारत का विभाजन किया गया और पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना 1940 से धर्म के आधार पर एक अलग देश की मांग कर रहे थे, जो बाद में पाकिस्तान बन गया। 1971 में भारत के सहयोग से पाकिस्तान फिर से विभाजित हो गया और बांग्लादेश अस्तित्व में आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी और जानकारियों के लिए चैनल के साथ बने रहें। आगे आने वाले वीडियोस में मलेशिया सीरीज शुरू होगी, जिसमें आपको मलेशिया के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।